छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है, कल यानी कि 7 नवंबर को। और इसी कड़ी में ग्राफिक्स के जरिए हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे, 20 सीटों के लिए। इनमें 12 बस्तर की सीटें हैं, तो इसके अलावा राजनांदगांव की भी 12 सीटें, इसमें 8 सीटें इसमें शामिल है। तो 12 बस्तर संभाग और बाकी दुर्ग संभाग की बात करें तो इसमें 8 सीटें शामिल हैं। तो प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हर एक डिटेल पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। न्यूज़ टेट पर हर एक डिटेल आप देखेंगे, चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस दौरान आपको बता दें 44,78,681 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लगातार उन्हें जागरूक भी किया जा रहा था। इनमें 69 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। 198 पुरुष 25 महिला प्रत्याशी मैदान में उतरते दिखाई देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 44,78,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ के रण में उतरते प्रत्याशी और इनके लिए वोटिंग कल होने जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, जानकारी दीजिएगा, कल पहले चरण के लिए मतदान होना है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ तस्वीर अपडेट सबसे पहले पहुंचाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अगर मतदान की बात करें तो 7 नवंबर को जो मतदान होना है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मतदान दल जो है सभी बूथों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मौजूद हूँ। कवर्धा जिला मुख्यालय में मतदान दलों की जो रवानगी है उसकी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कवर्धा जिला मुख्यालय पर यहाँ से मतदान दल रवाना किया गया है और सभी यहाँ पर जितने भी बूथ बनाए गए हैं वहाँ के लिए ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ से भेजी गई हैं। बाकायदा सबकी डिटेल्स जो है यहाँ पर नोट की गई है और जितने भी मतदान दल रवाना हुए हैं उनके लिए बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि जो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वो सेंसिटिव एरियाज में मतदान हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होगा वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वैसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए समय सीमा भी अलग से तय की गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद कुछ जगहों पर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। ये राजनांदगांव जिले की ये तस्वीरें हैं जहां से जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों में जो बूथों में यहां पर जो मतदान दल है यहां से रवाना किया गया है और यहां पर सुरक्षा की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां से जो हम लोग लाइव कर रहे हैं वो भी इनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है क्योंकि इनको डर है कि कहीं कोई परेशानी जो है दिक्कत जो है वो तो नहीं हो रही है। हालाँकि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में जो राजनांदगांव जिला है, कवर्धा जो जिला है उसके 8 विधानसभा सीटें और बस्तर जो संभाग है उसकी 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम तैयारियों के लिहाज से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं वहाँ पर मतदान दल पहुँचाए गए हैं और मतदान दलों की पूरी कोशिश होगी कि सुबह 7 बजे से जो मतदान होगा वो 3 बजे तक मतदान होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित जिला मुख्यालयों में जमा कराया जाएगा। तो तमाम सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए कदम भी हम दिखा रहे हैं और उसके अलावा ये भी हमने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जिला मुख्यालयों से मतदान दल रवाना किए गए। बिल्कुल अंकुश, ये भी बताइएगा, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाका, और ऐसे में कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी कि नक्सल गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। और हम देखते हैं चुनाव हो या कोई भी दिग्गज दौरे पर रहता है तो नक्सल गतिविधियां तेज हो जाती है, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। साथ ही शुरू से ही लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए भी क्या कुछ किया गया है बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग जो है अपनी तैयारियों में जुट गया था। निर्वाचन आयोग की पुरजोर कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में 100% मतदान कराया जाए, इसके लिए बाकायदा कई जागरूकता अभियान चलाए गए। जागरूकता अभियान के माध्यम से चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो लोगों को मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी विज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। प्रदेश सरकार के जितने भी सरकारी
महकमा रहा है उसको पूरा झोंक दिया है जनता के बीच के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि वो मतदान के लिए प्रेरित हों। अब दो ऐसी कुछ जगहें जहाँ पर जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जंगली इलाका है, जहाँ पर पहुँच विहीन क्षेत्र हैं और उसके बाद भी वहाँ पर अगर 10-12 मतदाता भी हैं तो उनको कहीं ना कहीं मतदान कराने के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार वहाँ पर मतदान दल भेजने के साथ साथ वहाँ पर कोशिश ये भी रही है कि लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि आपको मतदान के इस लोक पर्व में शामिल होना है। तो ये तमाम और साथ ही पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। साथ ही सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए पंडरिया विधानसभा सीट के आंकड़े आपको बताते हैं, क्या कुछ समीकरण यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ तैयारी इस सीट पर की गई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। ये विधानसभा सीट जहां से बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में खड़ा किया है, कवर्धा जिले में स्थित है पंडरिया विधानसभा सीट। पंडरिया विधानसभा सीट के मायने आप देख रहे हैं, सीट पर चंद्रवंशी और आदिवासी समाज का दबदबा देखने को मिलता है। बीजेपी ने यहां से भावना बोहरा को टिकट दिया है। इधर कांग्रेस की बात करें तो नीलकंठ चंद्रवंशी ने उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करते हैं, चैतराम राज को प्रत्याशी चुना गया है। तीनों की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल 14 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने चैतराम राज को अपना प्रत्याशी चुना है, कांग्रेस ने चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। सीट पर कुल कितने वोटर्स हैं वो भी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। महिला वोटर्स की संख्या भी 1,58,000 है, पुरुष वोटर्स की बात करें तो 1,57,000 यहां पर आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चलिए बढ़ते आगे और कवर्धा सीट पर कौन से प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। कवर्धा सीट की बात करें तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर मतदान होना है। 2018 में कांग्रेस की मोहम्मद अकबर यहां से जीते थे, जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने एक बार फिर से मोहम्मद अकबर को मैदान में उतारा है, विश्वास जताया है। बीजेपी ने विजय शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कुल 16 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं मैदान में। सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 3,31,615 बताई जा रही है। महिला वोटर्स कितने हैं? 1,66,843। पुरुष वोटर्स कितने हैं? 1,64,770 बताए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से इधर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां मतदान केंद्रों में कर ली गई है। कवर्धा विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। विजय शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं तो मोहम्मद अकबर कांग्रेस से। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सीटों का आंकड़ा हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चलिए यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। अंकुश, तैयारियां तेज कर दी गई हैं, फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, समीकरणों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे उसमें पहले फेज का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पहले फेज के जो चुनाव होना है 7 नवंबर को, उसमें सार्वजनिक प्रचार प्रसार की प्रक्रिया थम गई है, लेकिन जो दूसरे चरण का जो मतदान है 17 नवंबर को, उसके लिए प्रचार प्रसार अभी भी चल रहा है और उसके लिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के जो आला नेता हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के आला नेता भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं, तो वो अपने अपने समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसके समीकरण बन पाए हैं 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। फिलहाल कोशिशें हैं राजनीतिक दलों की और वो अपनी कोशिशों में जुटी हुई हैं कि उनकी पकड़ मजबूत हो, उनके जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स जो उन्होंने घोषित किए हैं उनके पक्ष में माहौल बने, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर निर्वाचन आयोग की तैयारियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं और आज जो पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। अलग अलग जिला मुख्यालयों से मतदान दल रवाना हुए हैं, जहाँ से जहाँ पर बसें पहुँच सकती हैं उसको वहाँ पर बस के माध्यम से, जहाँ पर फोर व्हीलर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है वहाँ पर फोर व्हीलर के माध्यम से, और जहाँ पर सड़क नहीं है जहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से जाया जा सकता है वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम
से मतदान दल पहुंचा हुआ है और ऐसी भी कई जगह है जहां पर सड़क मार्ग भी नहीं है और पानी के जरिए भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, बस्तर संभाग ग्राउंड जीरो पर लगातार आप मौजूद रहे, पल पल का अपडेट भी पहुंचा रहे थे, वहां की स्थिति जरा बताइएगा। बस्तर संभाग की बात करते हैं, सत्ता की चाबी के रूप में से देखा जाता है और कहा जाता है कि बस्तर संभाग जिस भी दल के कब्जे में आ गया, जीत की राह उसके लिए आसान हो जाती है। वहां पर कैसी स्थिति बनते देख रहे हैं आप? देखिए, बस्तर संभाग के बारे में ये कहा जाता है कि जो बस्तर जीतता है वही सरकार बनाता है छत्तीसगढ़ के भीतर। 12 सीटों पे मतदान जो है कल शुरू होगा, 10 सीटों पर जो है 7 बजे से मतदान शुरू होगा और 10 सीटों पे 8 बजे से मतदान शुरू होगा। यानी 10 सीटों पे 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं और 10 सीटों पर 9 घंटे का टाइम मुकर्रर किया गया है जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चलेगी। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले जो बस्तर के IG हैं सुंदर राज पी से हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर लिया गया है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवा लिया जाए। लेकिन जो 12 सीटें बस्तर के भीतर हैं उसमें तमाम बड़े मंत्री भूपेश बघेल सरकार के हैं और पूर्व मंत्री जो हैं वो रमन सिंह यानी भारतीय जनता पार्टी के वक्त के भी हैं। हम चाहे कवासी लखमा की बात कर लें या हम मोहम्मद अकबर की बात कर लें या हम मोहन मरकाम की बात कर लें, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार में मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। मोहम्मद अकबर जो है कवर्धा से ताल ठोक रहे हैं, कोंडा गांव से मोहन मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा कवासी लखमा जो है कोंटा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा मौजूदा वक्त में बस्तर के सांसद जो हैं वो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जो है 40,78,000 मतदाता जो है कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। 20 सीटों पर कल मतदान होना है और इन 20 सीटों के प्रदर्शन के बारे में हम बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। चाहे भूपेश बघेल के दौरों की बात हो, राहुल गांधी के दौरों की बात हो, 20 वादों के साथ, 20 घोषणाओं के साथ जो है कांग्रेस पार्टी 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, और ऐसे में अपने अपने दावे और वादों के साथ मैदान में उतरते प्रत्याशी और साथ ही पार्टी मजबूती से दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा मोहित, लौटूंगी आपके पास। लेकिन फिलहाल सीटों के मायने, आंकड़े और समीकरण बताने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए आपको कर रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ विधानसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। खैरागढ़ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर छुई खदान गंडई जिले की सीट है। खैरागढ़ सीट में वर्तमान में कांग्रेस की यशोदा वर्मा विधायक है, जीत उन्होंने दर्ज की थी। यशोदा वर्मा ने 2022 उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली थी। कांग्रेस ने फिर से यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में खड़ा किया है। बीजेपी की बात करते हैं, विक्रांत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों की टक्कर इस बार होने वाली है। कल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते दिखाई देंगे इस सीट पर से। तो सीट पर दोनों प्रत्याशी आमने सामने होंगे और मैदान में 14 प्रत्याशी कुल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस की यशोदा वर्मा विधायक हैं, उन्होंने 2022 उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने विक्रांत सिंह पर भरोसा जताया है। चलिए खैरागढ़ सीट के बाद आगे बढ़ते हुए डोंगरगढ़ विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। इस सीट की अगर बात करते हैं तो सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 2008 और 2013 में बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही थी। डोंगरगढ़ वही सीट है जहां मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि विधायक है। तो कांग्रेस के विधायक यहाँ से है और बीजेपी ने विनोद खांडेकर को प्रत्याशी चुना है, उनके सामने मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को टिकट दे दिया है, उनका नाम भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,09,775 है। महिला वोटर्स कितने हैं? 1,04,123 महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा पुरुष वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 1,05,000 पुरुष वोटर्स हैं। 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग इस सीट पर होनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजनांदगांव की, एक और बड़ी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है।
वही सीट है जिसको लेकर कई वादे और दावे किए जा रहे हैं। 2008 से रमन सिंह इस सीट से लड़ते आए हैं, जीत दर्ज करते आए हैं। इस बार फिर राजनांदगांव से रमन सिंह मैदान में, कांग्रेस ने उनके सामने गिरीश देवांगन को प्रत्याशी चुना है। बीएसपी की बात करें तो बिंदु फूले को उम्मीदवार चुना गया है। कुल 29 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,11,478 है। महिला वोटर्स कितने हैं? महिला वोटर्स 1,07,729 है और पुरुष वोटर्स की संख्या अगर देखें तो 1,03,737 है। राजनांदगांव सीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह का कब्जा रहा है, लेकिन कई वादे कई दावे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है अगर गिरीश देवांगन इस सीट से जीतते हैं तो राजनांदगांव को संभाग बना दिया जाएगा। कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाया है। राजनांदगांव विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, इस सीट की बात कर रहे हैं तो चलिए आपको समीकरण और जानकारी पहुंचा रहे हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा सीट के भी मायने आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हुए डोंगरगढ़ विधानसभा सीट 2018 में कांग्रेस ने यहां से अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था और जीत भी दर्ज की थी। कांग्रेस ने फिर से दलेश्वर साहू को मैदान में उतारा है, भरोसा जताया। बीजेपी ने भरत लाल वर्मा को टिकट दिया है। डोंगरगढ़ विधानसभा सीट जहाँ कुल 12 प्रत्याशी इस बार मैदान में है। डोंगरगांव की बात हम कर रहे हैं। सीट पर कुल वोटर 2,02,000 है और महिला वोटर्स 1,07,38 है। तो डोंगरगांव विधानसभा सीट जहां पुरुष वोटर्स की संख्या 1,02,000 है, 2018 में यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से दलेश्वर साहू को मैदान में उतारा है और उन पर भरोसा जताया गया है। चलिए बढ़ते आगे, अब खुज्जी विधानसभा का भी जिक्र कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। खुज्जी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी सुबह 8:15 पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। इस बार कांग्रेस ने भोला राम साहू को इस इधर से मैदान में उतारा है, प्रत्याशी चुना है। 15 साल से कांग्रेस का सीट पर कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने गीता साहू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो जितेंद्र मंडावी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,51,408 है। महिला वोटर्स कितने हैं? 96,293 महिला वोटर्स हैं और पुरुष वोटर्स 95,115 है। तो बात खुज्जी विधानसभा सीट की हो रही है। सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग चलेगी। खुज्जी विधानसभा सीट जहां सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। गीता साहू बीजेपी से, इधर कांग्रेस की बात करें तो छन्नी साहू और बीएसपी की बात करें तो जितेंद्र मंडावी मैदान में है। 15 साल से कांग्रेस यहां पर काबिज है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए हम सीटों का समीकरण भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे। हर एक सीट से प्रत्याशी अपने अपने दावे और वादों के साथ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव की मैं बात करूंगी, वो हाई प्रोफाइल सीट जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार वादा किया है अगर गिरीश देवांगन जीतते हैं तो इसे संभाग बना दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा दिलचस्प वहाँ पर लड़ाई है, कांटे का मुकाबला वहाँ पर देखा जा रहा है। और इस वजह से देखा जा रहा है क्योंकि गिरीश देवांगन जो है वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। देवांगन जाति का करीब 28,000 वोट बैंक कहा जाता है कि राजनांदगांव में है और लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। जब मैनिफेस्टो जारी कांग्रेस पार्टी ने किया था तो भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव में थे, वहाँ से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। 20 वादे वहाँ से उन्होंने किए थे जिसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर केजी से पीजी तक की पढ़ाई की बात हो या इसके अलावा महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, तमाम वादे जो हैं भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से किए हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने यह भी बात कह दी कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, राजनांदगांव कांग्रेस जीतती है तो नया संभाग जो है बना दिया जाएगा राजनांदगांव को। राजनांदगांव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो आज भी सियासत करती हुई नजर आती है। बीएनसी मिल एक बहुत बड़ा वहां पे मुद्दा है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, उसको लेकर भी लगातार राहुल गांधी 2018 में वहां पे गए थे। उन्होंने कहा था कि जब उनकी सत्ता लोकसभा में आएगी यानी केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी लौटेगी तो हम बीएनसी मिल को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बीएनसी मिल अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, कांग्रेस की सत्ता नहीं आई है। आज भी वो मुद्दा कहीं ना कहीं वहां पर बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीएनसी के साथ साथ वहां पर बुनियादी जो मुद्दे हैं वो तो वहां पर बने हुए हैं, लेकिन हाँ पसीना भूपेश बघेल ने भी वहां पर बहाया है और कहा है कि किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ
3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी भी हम करेंगे। तो 20 वादे जो हैं वो लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरी है। जनता किस आधार पे किस तरीके से अपना आशीर्वाद देगी ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन पूरी मेहनत कांग्रेस पार्टी ने 20 विधानसभा क्षेत्रों पर की है। बिल्कुल, देखिए कल पहले चरण को लेकर मतदान होना है और निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर मोहित तमाम तैयारियां कर ली हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि महिलाओं को लेकर खास तौर पर एक केंद्र बनाया गया है जहां सिर्फ महिलाएं ही ड्यूटी करती हुई नजर आएंगी, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है खासतौर पर चुनाव आयोग की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो हैं अपने घरों से बाहर निकलें महिलाओं को भी रिझाने के लिए। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा हम राज्य मानते हैं कि जहाँ पर महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, महिलाएँ जो हैं ज़्यादा मतदाता हैं यहाँ पर, तो उनको कहीं ना कहीं एक रिझाने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए मॉडल बूथ बनाया गया है जहाँ पर महिलाएँ जो है मतदान कर्मी होंगी, महिलाएँ वहाँ पर मतदान कराती हुई नजर आएंगी। तो चुनाव आयोग की कोशिश जो है हर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को घर से बाहर निकाला जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। 2 करोड़ 3 लाख के आसपास मतदाता जो है छत्तीसगढ़ के भीतर है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता है, 1 करोड़ 2 लाख के आसपास जो मतदाता है वो महिला मतदाता है। तो महिला मतदाताओं को एक तरीके से मतदान बूथ तक लाने की एक कोशिश कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस कड़ी में इसको देखा जा सकता है। बने रहिएगा, मोहित लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ते हुए मोहला मानपुर विधानसभा सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, रुक कर लेते हैं। इस सीट पर क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है वो भी जानेंगे। आपको बता दें कि सुबह 7:15 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, खासतौर पर सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। मोहला मानपुर सीट कांग्रेस के इंद्र शाह मंडावी मैदान में नजर आ रहे हैं और उनके सामने संजीव शाह बीजेपी से मैदान में है। कांग्रेस ने फिर से इंद्र शाह पर मैदान में उतारते हुए भरोसा कायम किया, जताया है बीजेपी से ये सीट कभी नहीं जीती है। इस बार मैदान में 9 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। संजीव शाह के सामने इंद्र शाह मंडावी है। सीट पर कुल वोटर्स 1,67,000 है। महिला वोटर्स की बात करें तो 85,000 महिला वोटर्स इस सीट पर है। उधर पुरुष वोटर्स की बात करें तो 82,789 पुरुष वोटर्स है। ये वही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा को देखते हुए खास ध्यान रखा जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, अंतागढ़ विधानसभा सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। इस सीट की अगर बात करें तो ये वही सीट है जहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। और इधर बीजेपी से विक्रम उसेंडी प्रत्याशी चुने गए हैं। रूप सिंह कांग्रेस से मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है इस सीट पर। अंतागढ़ की हम बात करें, 2008 और 2013 में बीजेपी का कब्जा सीट पर रहा था। अंतागढ़ सीट की बात करें, कुल वोटर्स 1,76,000 हैं, महिला वोटर्स 87,000 हैं और पुरुष वोटर्स की अगर बात करें तो पुरुष वोटर्स 88,611 हैं। विक्रम उसेंडी और रूप सिंह मैदान में नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर इस सीट से देखने को मिल रही है। अंतागढ़ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। ये वही सीट है जहां से बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से गौतम उइके उम्मीदवार है मैदान में, उन्हें उतारा गया है। बीजेपी से सावित्री मंडावी मैदान में है जो उपचुनाव में जीती थी। बीएसपी से जालम सिंह जुर्री प्रत्याशी है। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट वही हाई प्रोफाइल सीट जहां पर उपचुनाव हुआ था और सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की थी। 2013-18 में कांग्रेस को जीत मिली थी। महिला वोटर्स कितने हैं, 1,58,000 महिला वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स 1,57,725 हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस सीट पर वोटिंग होगी। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कांग्रेस से गौतम उइके उम्मीदवार है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, अंकुश का मैं रुख कर लेती हूं। अंकुश, भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। उपचुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अगर इस अभी चुनाव के समीकरण को देखें, कल पहले चरण का मतदान है, फिलहाल समीकरण कैसे बनते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीटों पर जिनमें चुनाव होने जा रहा है उसमें 10 अति संवेदनशील विधानसभाएं हैं और
10 संवेदनशील विधानसभाएं हैं। तो जो अति संवेदनशील विधानसभाएं हैं वहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। जिस जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं वो हैं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा। अब अगर हम बात करें तो अंतागढ़ की अंतागढ़ में अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से जीत मिली थी। चूँकि अगर सावित्री मंडावी की अगर बात करें तो उनको जीत इसलिए मिली थी क्योंकि उनके पति जो हैं ऑलरेडी वहाँ से कांग्रेस विधायक रहे हैं और वो विधानसभा में जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के वो बने थे। लेकिन अकस्मात उनकी हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी वोट मिले थे। लेकिन इस बार देखने वाली बात रहेगी कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है और कौन सा प्रत्याशी इस बार जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अंकुश हमारे साथ जुड़े थे, मोहित राज दुबे लगातार बस्तर से हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं।